हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ और एक जगह पे मैं जा रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ आदिवासी मेला चल रहा है, तो सोचे कि वो ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आपको पूरा मेला का वीडियो दिखाऊंगी। तो अभी के लिए रखते हैं, फिर चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। सो फ्रेंड, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच गए और ये है भुवनेश्वर का है आदिवासी मेला। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आदिवासी मेला वहाँ पे चल रहा है। हम लोग चले गाड़ी पार्किंग के लिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा दूर पार्किंग रखना है गाड़ी को, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब कोई गाड़ी पार्किंग यहाँ पास में नहीं होता है, थोड़ा दूर ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ बाइक, साइकिल, स्कूटी ये सब पार्किंग होता है। और पार्किंग हम उधर साइड रखे और हम चले, अभी चल चल के जा रहे हैं। बहुत दूर को गाड़ी में पार्किंग किए और अभी थोड़ा थोड़ा चल चल के जा रहे हैं। और मैं बहुत एक्साइट हूँ कि देखने के लिए क्या आया हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे गांव से कोई आया होगा तो थोड़ा सा जान पहचान हो जाए, लेकिन जाके ही पता चलेगा कि कौन आया है कौन नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जाते ही मतलब लगा हुआ है जो मतलब घर में हाथ में बनाते हैं, यहाँ पे जैसे हाथ में बनाते हैं वो सब चीज़ से यहाँ पे सारा रखा हुआ था। तो ये सारे बना के रखे हुए थे, ये कुछ मतलब किड्स के लिए बेचने के लिए थोड़ा सा ट्रेन होता है वो रखे थे, कुछ ऐसे ही जो सस्ता सामान होता है या रखते हैं। झाड़ू रखा हुआ है और कुछ कुछ रखा हुआ है, जैसे हम मंदिर लेते हैं ना एक कटोरी टाइप का, उसको भी रखा हुआ है। और तीन कोना वाला सूप रखा हुआ है, चार कोना वाला भी सूप रखा हुआ है। तो चलते हैं अंदर, कैसा है देखते हैं अंदर। सो हम लोग यहाँ पे चल चल के थोड़ा सा आ गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है उड़िया में आदिवासी मेला 2021 लिखा हुआ है। और हम लोग अंदर चले, हम लोग क्या किए थे कि ऑनलाइन में आदिवासी मेला .com में एक टिकट बुक कर, दो टिकट बुक कर लिए थे, वो फ्री है, तो ये टिकट दिखा के डायरेक्ट चले आए। और ये कोविड के लिए थोड़ा सा देखते हैं, अभी चलते हैं अंदर और देखेंगे पूरा सीन एंड व्यू। सबसे पहले सैनिटाइज करते हैं हाथ, आ जाओ सैनिटाइज करते हैं, जाओ। मशीन भी धोखा दे दिया होगा, हम अपना सैनिटाइजर निकाल लेते हैं। जाते ही हम लोग पहले चले गए एक, यहाँ पे एक लगा हुआ है घर की टाइप का स्टॉल, और इसके अंदर अभी चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। और ये जो मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और बोलते हैं कि मास्क पहनना मतलब कंपलसरी है, थोड़ा सा भी उतारो मत। तो इसके अंदर हम जाते ही कुछ मतलब देखे जो आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, मतलब कैसे उनका घर होता है ये सब। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जो है सीन में देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि हम जिस एरिया में, हमारे जो गांव है वो एरिया भी मतलब आदिवासी से बिलोंग्स करती है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही आदिवासी लोग, तो प्योर आदिवासी लोगों को देखे हुए हैं, और उनसे हमारा जो हाट होता है वहाँ पे सिर्फ आदिवासी लोग आते हैं और अपना जो सब्जी है जो भी कुछ है वो बेचने आ जाते हैं। तो हम लोगों को पूरा देखने को मिल जाता है, और हर जगह पे ना एक गांव-गांव की तरह होता है, और इसी गांव-गांव की तरह होता है, और उसमें आपको मतलब पूरा ऐसे जैसे मैं सीन दिखा रही हूँ ना वैसे ही रहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ, वो लोग चूल्हा पे लगाते हैं, उनका मतलब इतना क्लीन होता है हांडी वगैरह जो खाना बनाते हैं जो भी। तो ये पूरा मतलब जो नाक में बहुत पहनते हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ठीक से।
और ये जो आदिवासी लोग रहते हैं इनका मतलब बहुत टाइप का होता है, जैसे सोरा हो गया, बोंडा हो गया, कुछ कुछ होता है, मतलब मुझे इतना मतलब याद नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं बाहर। तो बाहर आने के बाद हम लोग चले दूसरे मतलब जो स्टॉल लगा हुआ है जो आदिवासी लोग का होता है मेन, तो यहाँ पे हम लोग चल चल के जाए और बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जाते ही मतलब बेचते हैं बढ़ी और कुछ मतलब साबूदाने की बढ़ी और उनके मतलब उनके जो टाइप का बर्तन जो यूज़ करते हैं उस टाइप का एल्युमिनियम का बर्तन, ये सब बेचते हैं। और ये जो मतलब सब हाथों से बनाया हुआ है और जिसका मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट का वो मतलब अपने तरीके से वो बना के लाए हैं। और यहाँ पे जो होता है ज़मीन में दाल बनाते हैं वो सब भी बेचते हैं। और हम लोग पूरा मतलब स्टॉल पे यही मतलब हाथों से बनाए हुए चीज़ ही देखे जो उन लोगों बनाते हैं उन लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना बड़ी, थोड़ा सा मिर्ची भी रखा हुआ है और खजूर भी रखा हुआ है। और हम लोग आगे चल के भी देखे और जाते जाते वहाँ पे अचार का स्टॉल भी था और यहाँ पे अचार भी बेच रहे हैं। तो अगरबत्ती का भी था स्टॉल, अगरबत्ती बेच रहे थे, कुछ ऑयल भी मतलब बेच रहे थे जो प्योर ऑयल, अरेंडी का, तिल का ऑयल और नीम का तेल, ये सब जो बना बनाए हुए हैं वो बनाते हैं। वो क्या होता है कि ये जो भुवनेश्वर में ये सब ओरिजिनल थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो ये मेला में आसान तरीके से मिल जाता है, तो लोग भी आते जाते रहते हैं। और ये जो स्टॉल आप मैं जा रही हूँ ये जो देख रहे हैं, ये स्टॉल पे मैं कुछ अच्छा चीज़ दिखा रही हूँ। और ये जो है ना ये लोग जो ये सब ना मतलब बनाया हुआ है और आपको दिखाऊंगी, ये जो एक दीवार पे सारा लगा हुआ है ना ये सब आदिवासी लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा मतलब तीर है, धनुष है और मतलब उसको क्या क्या बोलते हैं सब कुछ है, और बाजा भी है जो वो लोकली यूज़ करते हैं ये सब। तो यहाँ से हम चलते हैं दूसरे जगह पर और चलिए देखते हैं दूसरा व्यूज। अभी हम एक दूसरे मतलब घर की टाइप का होता है स्टॉल, उसके अंदर घुसते हैं और इसी के अंदर हम कुछ अलग ही देखे। यहाँ पे एक जो लेडी बैठी थी वो मतलब प्योर जैसे आदिवासी लोग जैसे रहते हैं वो सारा कॉस्ट्यूम पहन के बैठी थी और वो प्योर आदिवासी है। और ये जो है मैं आगे दिखाऊंगी, और ये जो घर टाइप का आप देख रहे हैं वैसे ही रहते हैं ये लोग। तो घर अलग अलग छोड़ के कभी दूसरे जगह पे घर लगा के होता है। और ये थोड़ा सा हमारे गाँव पे थोड़ा पहाड़ी इलाके पे तेरे रहते हैं, तो पहाड़ी इलाका का टाइप का भी बना हुआ है और ज़मीन वमीन के टाइप का भी बना हुआ है। और मुझे ये सबसे मतलब इस जगह मतलब आई थी जो जगह पे, तो मुझे सबसे ये बहुत अच्छा लगा और ये जो सीनरी बना हुआ है मुझे बहुत पसंद आया। और अभी हम बाहर जाएंगे और भी कुछ कुछ देखते हैं।
और घूमते घूमते हम लोग दूसरे जगह पे भी आ गए और सारे जगह पे ऐसे ही मतलब स्टॉल लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो घरेलू का होता है ना उसका मतलब घर पे रखने के लिए डिजाइन का कुछ कुछ सामान भी बेच रहे हैं। और मैं यहाँ पे मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा और ये जो है मतलब बनाया बना हुआ वो घर में रखते ही लगता है कि मतलब बहुत अच्छा लगता है और देखने को बहुत सुंदर लगता है। और जैसे बाहर से आते हैं तो कभी कभी आते हैं तो ले लेने की बहुत मन हो रही थी। और मेन बात है कि मैं भी गई थी कि सोची कि हमारे गांव से पूरा कोई आया होगा तो जान पहचान मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं क्योंकि बहुत से अलग अलग एरिया से आए हुए थे। कहाँ क्या था हम तो ज़्यादा देर घूम नहीं पाए और घूम घूम के घर मतलब पैर दर्द हुआ। और वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो स्टॉल है ये चूड़ी का स्टॉल है और इसमें वो जो मतलब मेन आदिवासी जो पहनते हैं चूड़ी उसी का भी चूड़ी दिखाया गया है। और हर स्टॉल पे ऐसे ही बड़ी का अगरबत्ती का तेल का जो नेचुरल मतलब यूज किया हुआ घरेलू बनाया हुआ है वो सब आया हुआ था और कुछ नहीं। और कुछ मतलब जैसे आदिवासी का डांस होता है वो सब डांस का मतलब ऐसे ही लगा हुआ था मेलोडी टाइप का, तो वो भी देखेंगे आगे जाके। और अभी चलते हैं दूसरे जगह पे कहीं पे। और यहाँ पे हम जैसे कि मतलब एक घर घर का टाइप का स्टॉल होता है और वैसे भी और एक स्टॉल बना हुआ था तो हम लोग आ गए हैं इसी स्टॉल के अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे देखे तो काठ का कुछ बना हुआ मूर्ति और कुछ कुछ जो आदिवासी लोग का जो होता है लोहे का या एल्युमिनियम का कुछ बना हुआ है तो यहाँ पे देखने को मिला। अच्छा लगा ये सारा देख के। और यहाँ पे ये जो स्टॉल लगा हुआ था साइड में कोरापुट का लोग भी आए थे, मतलब हमारे गांव के लोग जो मैं बिलोंग जहाँ करती हूँ कोरापुट से तो वहाँ से। तो यहाँ पे पूरा मतलब ये देख रहे हैं ना पूरा क्या क्या रखे हुए हैं। तो साइड में मूर्ति वगैरह से रखे हुए हैं, कृष्णा राधा कृष्ण मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और कुछ मूर्ति। और आदिवासी लोग जैसे रहते हैं उनका स्टाइल का कस्ट्यूम टाइप का एक होता एल्युमिनियम का, कुछ एल्युमिनियम या लोहे का लगा हुआ है। और ये जो गणेश मूर्ति था ये थोड़ा सा ज़्यादा रेट था तो हम लोग नहीं लिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ पे मैं दिखाई एक नीचे एक पेपर था उसमें कोरापुट लिखा था तो मुझे लगा कि कोरापुट से आए हुए हैं। और इसके बाद हम लोग बाहर चले गए और अभी चलते हैं दूसरे जगह पे। और अभी हम लोग आ गए ये लास्ट मतलब जगह पे और घूम घूम के यहाँ पे आ गए। मैं बता रही थी ना यहाँ पे नृत्य भी होता है जो आदिवासी लोग का, तो ये जो चेयर वेयर पड़ा हुआ है यहाँ पे होता है। और यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है ये आदिवासी मेला 2021 का पोस्टर। और ये जो है मैं दिखाऊँगी
कैसा है, पूरा बाहर की तरफ से यहाँ पे खड़े होने से दिखाई देता है। और ये जो सामने एक लगा हुआ है मंडप टाइप का, उसी में आदिवासी नृत्य होते हैं। और ये लास्ट था जो बोली थी, तो हम लोग अभी बाहर तरफ निकल रहे हैं। और आप लोगों को भी कभी भुवनेश्वर में रहते हैं या भुवनेश्वर से बिलोंग करते हैं या उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, तो आप आके ये मेला एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब चाहते हैं कि हमारा जो जनजाति है वो डेवलप करे, और हम भी चाहते हैं वो डेवलप करे। इसीलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा देखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो अभी निकलते हैं और आपसे बात करते हैं। बाय बाय। टिकट के लाइन पे खड़े हैं, लेकिन इसको ना ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। यह आदिवासी मेला अगर वो भुवनेश्वर डालेंगे तो वहाँ पे साइट पे है, फिर वहाँ पे नीचे एक बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ना बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, इतना लाइन आपको नहीं लगाना पड़ेगा। सो हम दोनों घूम घूम के आगे और थक के बैठे हुए हैं। आपको कैसा लगा? मैं तो बहुत थक गया। अच्छा, मैं भी बहुत थक गई। और थोड़ा सा आगे बहुत मतलब भीड़ नहीं है, क्योंकि उसमें बोलते थे लोग जा सकते हैं, क्योंकि कुछ कोविड के लिए नियम है। और हम लोग ऑनलाइन में टिकट कर लिए थे और टिकट फ्री था, और ये यूनिट वन पे है, और इनको थोड़ा सा ज़्यादा ही एड्रेस पता है, तो ये बताएंगे। ये राजमहल चक से सुशु भवन आएंगे तो उसी बीच में आपको पड़ेगा। और हम इसका वेबसाइट का लिंक आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप लोग भुवनेश्वर में हैं और विजिट करना चाहते हैं तो उस लिंक पे जाके जा सकते हैं, मतलब बुकिंग कर सकते हैं टिकट फ्री। यहाँ पे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। देखा होगा आपने पीछे वीडियो में कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और उसमें क्या है कि आपको लिंक दे देंगे नीचे, और हर साल अलग अलग डेट होता है। तो ये 9 तारीख तक का ही मेला है, 9 फरवरी को ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारा उत्साह बढ़ाइए सब्सक्राइब करके। तो चलिए बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।